मेंस आज हो चुके हैं 20 और 21 जुलाई। पहले ये जनवरी में प्रस्तावित थे, लेकिन फिर धरना वगैरह हुआ और ये आज समाप्त हो चुके हैं। 20 और 21 जुलाई, 21 जुलाई तक चारों पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, आरएएस मेंस का जो है वो रिज़ल्ट कब तक आ सकता है? तो अपन कुछ पीछे के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको देखकर अपन ये आराम से एनालिसिस कर सकते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। पिछले कुछ टाइम से जो आरपीएससी है वो खुद थोड़ा स्पीडअप हुआ है। तो कुछ वैकेंसी अगर अपन देखें, तो सबसे पहले अगर अपन वैकेंसी देखें 2012 का जो एग्ज़ाम है और उसके अंदर जो है लगभग 11 महीने के आसपास लगे हैं। मतलब आप ऐसे मानिए कि 11 महीने के बाद में तो इंटरव्यू की डेट आई है, तो इसका मतलब मानिए कि लगभग 5-6 महीने लगे होंगे और फिर 11 महीने के बाद में ये इंटरव्यू की डेट वगैरह आई है। और इसके अगर मान लो इससे आगे वाला अपन देखें 2013 वाला, तो 2013 वाले एग्ज़ाम नोटिफिकेशन 2013 में आया था, एग्ज़ाम 2015 में। ये 13 वाला जो वो लीक हुआ था वही पेपर है, कैंसिल हो गया था। और 2016 के 9 अप्रैल 2016 और 10 अगस्त ये इंटरव्यू के बीच की डेट है। इसका मतलब 5 महीने, तो मतलब ये तो काफ़ी 2-3 महीने में ये आ गया था, क्योंकि एग्ज़ाम वैसे भी काफ़ी लेट हो गया था। फिर अगर 2016 वाला एग्ज़ाम अपन देखें तो 28 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आया था और 28 अप्रैल और 28 अगस्त को प्री की एग्ज़ाम डेट आ गई थी। 28 अप्रैल के बाद में 28 अगस्त की, और 27 मार्च को मेंस की एग्ज़ाम डेट थी। 27-28 मार्च को एग्ज़ाम हो गया था और लगभग इसके अंदर 25 जून को रिजल्ट आया था। कब आया था? 25 जून को रिजल्ट आया था। और इसका इंटरव्यू के लिए कॉल हुई थी 2 अगस्त 2017 को और फाइनल रिजल्ट आया था 17 अक्टूबर 2017 को। तो यहाँ पर लगभग 3 महीने लगे थे और उसके लगभग 4 महीने बाद में इंटरव्यू की डेट, इंटरव्यू वगैरह भी हो गए थे, फाइनल रिजल्ट भी आ गया था। आगे देखते हैं अपन 2018 की बात करते हैं। 2018 वाला एग्ज़ाम, 2018 वाले एग्ज़ाम के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 अप्रैल 2018 को नोटिफिकेशन आया था, प्री के एग्ज़ाम 5 अगस्त को हो गई थी और 4 महीने के बाद में मेंस एग्ज़ाम की डेट 25 जून 2019 को। तो लगभग 9 जुलाई 2020 को ये रिज़ल्ट आ गया था और 9 जुलाई 2020 के बाद में 22 मार्च 2021 को इंटरव्यू की डेट आई थी। तो 9 जुलाई मतलब ऐसे मानिए कि 9 जुलाई 2020, तो जून जुलाई लगभग 10-11 महीने हो गए। फिर इसके बाद में 2021 के एग्ज़ाम की बात करते हैं। जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन आया था, 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो गया और 3 महीने के आसपास लगा था। और इसका एग्ज़ाम हुआ था लगभग 21 मार्च को हुआ था और 30 अगस्त 2022 को रिजल्ट आ गया था और 10 जुलाई 2023 को इंटरव्यू की डेट आ गई थी। तो कहने का मतलब अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर अपन आने वाला जो रिज़ल्ट अगर अपन प्रेडिक्ट करें 2023 वाला जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के अंदर प्रस्तावित था, जनवरी के अंदर होना था और जनवरी के अंदर वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया, पोस्टपोन हो गई डेट, और फिर 20-21 जुलाई मतलब आज एग्ज़ाम हो गया है। तो 21 जुलाई के बाद में अगर अपन टाइम देखें तो लगभग आप ऐसे मान के चलिए एवरेज सारे एग्ज़ाम के अंदर 3 महीने से लेकर 10 महीने तक का टाइम लगा है। तो आप अगर बीच का एक एवरेज निकालते हैं तो लगभग 5-4 महीने, तो लगभग 3-4 महीने के अंदर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो लगभग अक्टूबर नवंबर का लास्ट वीक, अक्टूबर नवंबर के अंदर इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और अक्टूबर नवंबर रिज़ल्ट श्योर इसलिए आ जाएगा कि सभी एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि मिनिमम जो गैप है वो 3 महीने है और मैक्सिमम गैप 10 महीने है। तो आराम से ये रिज़ल्ट श्योर है 3-4 महीने के अंदर अक्टूबर नवंबर में आपको देखने को मिले। जो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, पीछे के जो एग्ज़ाम हुए हैं ये जो लिस्ट है ये मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर भी कर दूँगा, आप टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए आरपीएससी नेक्स्ट आरएएस चैनल पर। और अभी देखिए कि अगर मान लो एक ऑन एन एवरेज अगर अपन देखें 2012, 13, 16, 18, 21 और 2023 का एग्ज़ाम भी हो गया, तो सबके अंदर जो गैप है प्री और नोटिफिकेशन के बीच में जो गैप है वो तो है 4 महीने का, एवरेज 4 महीने का, 3-4 महीने का। तो आप सोच के देखिए कि अगर नोटिफिकेशन आ जाता है नेक्स्ट जो 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है, और अभी कवायद चल रही है आरपीएससी में, कार विभाग ने आरपीएससी को मतलब भेज दिए डिटेल्ड जो अधीनस्थ और आरएएस के सेवाओं की जो जितनी भी रिक्त पद है, और आरपीएससी नोटिफिकेशन निकाल सकता है एंड ऑफ दिस ईयर, और ये न्यूज़पेपर के अंदर बाकायदा आया भी है। तो इस साल तक मान लो नवंबर के अंदर नोटिफिकेशन आता है तो लगभग 3-4 महीने आप मान के चलिए कि मार्च अप्रैल के अंदर जो नेक्स्ट आरपीएससी का जो 2025 का जो प्री है वो मार्च अप्रैल के अंदर श्योर होगा। और
अपन बात कर रहे थे इसके रिजल्ट की, इसका रिजल्ट भी 21 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है आज ही के दिन, तो 3 से 4 महीने अक्टूबर नवंबर के अंदर शोर शोर रिजल्ट आ जाएगा। बाई चांस अगर 5 से 10 दिन लेट होते हैं तो हो सकता है कि वो फर्स्ट वीक पकड़ ले, नवंबर लास्ट या नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक पकड़ ले। और अभी जो आने वाली जो वैकेंसी 2025 वाली 2024 के लास्ट में, ये न्यूज़पेपर की मैं आपको एडिशनल प्रूफ दिखा रहा हूँ, ये जो रिक्त पद है उनकी स्वीकृति है वो RPSC को कार्मिक विभाग ने भेज दिया है। खुशखबरी, RS 2024 भर्ती परीक्षा की कवायद शुरू, इस साल के अंत तक आ सकती है भर्ती। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाली वैकेंसी के लिए आप तैयार हो जाइए। अभी जो आज जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो थोड़ी देर के लिए फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ समय व्यतीत कीजिए, अपने परिवार के अंदर घुलिए मिलिए, 4-5 दिन काफ़ी हैं, उसके बाद में फिर से लग जाइए। क्योंकि अभी के दौर में कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं रह गया, ये गलाघाट प्रतियोगिता है। तो गलाघाट प्रतियोगिता के अंदर जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाए, तब तक पढ़ाई आपको बंद नहीं करनी है। तो पढ़ाई जारी रखें, जिनके कम नंबर आए हैं वो फिर से तैयारी करें, और जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं वो भी तैयारी जारी रखें इंटरव्यू के लिए, और भी तैयारी रखें। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये RPSC RAS की वैकेंसी अनिश्चितताओं की भर्ती है। तो 2 से 3 महीने मिलते हैं प्री के लिए, उसके बाद मेंस के लिए। तो कहने का मतलब जो मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनको शुरू से ही, अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हालांकि लोगों ने स्टार्ट कर दिया तैयारी, लेकिन फिर भी अभी भी लेट नहीं हुआ है। तो अभी अपन अपने चैनल पर इससे संबंधित और कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो आप ये श्योर मान के चलिए कि रिज़ल्ट जो है 21 जुलाई वाले एग्ज़ाम का, वो रिज़ल्ट तो आपको नवंबर दिसंबर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और हो सकता है अक्टूबर के लास्ट में आ जाए, लेकिन नवंबर दिसंबर श्योर है। और नई वैकेंसी जो है वो नवंबर के अंदर ही आएगी। थैंक यू।